राम राम सबने। मैं पिंकी किनाला और तम देखने लाग रहे हो रियल हरियाणा। तो फिर आला अपने साथ मौजूद थे कांग्रेस के विधायक पूर्व एमएलए नरेश सेलवाल जी, वे भी धरना स्थल पर पहुंचे थे। तो वे के कुछ कहना चाहोगे, उनसे भी पूछांगे, तो के कुछ कहोगे जी आप धरने ने लेके? देखिए पिंकी जी, बात ये है, ये धरना लगभग जो है 87-88 दिन हो गए इसको, और सरकार ने, मैं समझता हूँ यहाँ से राज्य मंत्री अनूप दानक जी भी है, बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी भी है, उन्होंने इनके बीच में आके गांव के गौशाला कमेटी के इस समस्या का समाधान कराना चाहिए था, और एक छोटी ही बातचीत के माध्यम से ये मामला सुलझ सकता था, परंतु सरकार की बेरुखी की वजह से, तनाशाही रवैये की वजह से ये मामला जो है आज इस हालात में पहुँच गया कि हमारे एक भाई को जो है वो शहादत देनी पड़ी। मैं उस भाई को, धर्मपाल भाई को, नमन करता हूँ। और आज तीसरा दिन हो गया जो है सरकार धर्मपाल भाई की डेड बॉडी भी जो है परिवार को नहीं दे रही है। मैं समझता हूँ इससे मतलब घिनौना काम तो हो ही नहीं सकता कि भाई परिवार को उनका एक साथी जो मृत हो चुका, उसका जो है अंतिम संस्कार के लिए भी वो वंचित परिवार को करने का काम किया। तो गौ माता का निवाला छीनने वाली जो ये सरकार है, इसको गौ माता कभी माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने गऊ के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लिया, और जेजेपी की जो सरकार है उसने किसानों के, मजदूर के नाम पे वोट लिया, और आज जो है पूरा ये गांव जो है किसानों का और मजदूरों का ही गांव है, उनको इग्नोर करने का काम किया है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार की इसके अंदर बहुत बड़ी नाकामी प्रशासन की रही है, सरकार की रही है, और अनूप दानक ने जो है राज्य मंत्री जी है, उन्होंने इस गाँव से भी वोट लिया है, तो उनके ही साथी है सारे, कोई दूसरे नहीं है। यहाँ अगर आएंगे उसको कोई कुछ नहीं कहता, गांव वालों के बीच में आए, बातचीत करें और इस मामले को सुलझाने का काम करें। तो सर जो कर है नहीं, धर्मपाल जी एक्सपायर हुए हैं, उनके सिर में डंडा लागण की वजह से वो एक्सपायर हुए हैं, वीडियोज में साफ दिखने लग रहा है। फिर भी एसपी और डीएसपी का कहना है कि ट्रैक्टर तक कुचलन के कारण इनकी मौत हुई है, और बॉडी देने के प्रति एक मतलब बात अड़ान लाग रहे हैं कि देते ही साथ दाह संस्कार कराया जाओ तो बॉडी देवांगे, तो क्या कहोगे आप सर? देखिए, जो हमारे भाई की धर्मपाल की मृत्यु हुई है, वो जो प्रत्यक्षदर्शी जो है, पूरा गाँव यहाँ खड़ा है, तो सब ने पता है कि वो पुलिस की लाठियों से उसकी मृत्यु हुई है, और जो है ऐसा कुछ नहीं है कि वे ट्रैक्टर के नीचे आया है, वो पुलिस के डंडों से उनकी मृत्यु हुई है। और जो मामला आज चल रहा डेड बॉडी वाली बात है, सरकार को जो है, परिवार को, गांव को, वो डेड बॉडी जो है हमारे भाई शहीद की, धर्मपाल जी की, देनी चाहिए। ऐसा काम सरकार को कम से कम लाशों के ऊपर तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो मामला है गौशाला का, कमेटी का, वो सुलझ जाएगा, कोई बात कौन, लेकिन कम से कम परिवार को डेड बॉडी जरूर दे जी। तो जो 10-10 मतलब बारहवीं क्लास में पढ़ने वाले छोटे छोटे बालक हैं, उनती भी गिरफ्तार कर रखे हैं, ठाठा के छोटे छोटे साथियों थी भी, उनके बारे में आप क्या कहोगे? उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लग रहा, हालांकि उनने कुछ गलत नहीं कराया, वो सिर्फ 3 महीने तो उन्हें अपनी चाय पानी की सेवा दे। ये सरकार जो है ना, उसने बच्चों से, महिलाओं से कोई सरोकार नहीं है, जो भी चाहे बच्चे हो चाहे हमारे जवान हो, उनकी ज़िंदगी से ये सरकार खिलवाड़ करी। आप बेरोजगारी देखो, हमारा युवा जो है सड़कों पे है सारा, जो नौकरी लगते हैं उनको 1 साल लगाने के बाद फिर हटा देते हैं। अब 4 साल के लिए एक और जो है अग्निपथ योजना लेके आ गया अग्निवीर। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की सरकार हमें जो है लोगों का भविष्य, बच्चों का भविष्य खराब कर रही। उन्हें जो बच्चे अरेस्ट किए हैं, मैं समझता हूँ उनकी ज़िंदगी सरकार ख़राब ना करे, उनका कोई कसूर नहीं है, वो केवल गौ माता की लड़ाई लड़ रहे, उनको तुरंत प्रभाव से सरकार को छोड़ना चाहिए। शुरू कर दे तो सर, हर आंदोलन में एक आधी शहादत दे जाओ, उसके बाद मतलब सुनवाई करे सरकार, बातचीत करने नहीं फिर तैयार हो, उससे पहले तो बातचीत भी कर दी, इतना सख्त रवैया क्यों हुआ है? देखिए, ये जो शहादत की और लाठी डंडों की, वाटर कैनन की जहाँ तक बात है, ये जो है ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाती है, और ऐसे तानाशाही जो शासक होते हैं वो लाठी डंडों से जो है, पहले एक कहावत थी हमारे बुजुर्ग ताऊ जी और खड़े हैं यहाँ, वो कहते थे जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब ये लाठी के दम पे जो है जनता को दबाने का काम करे। मैं समझता हूँ ऐसा प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो है वो लाठी डंडे का राज नहीं होना चाहिए, केवल और केवल जनता की सुनवाई होनी चाहिए।
किसान भाई ने बात करी, क्या कांग्रेस की सरकार भी गऊओं के लिए ऐसा करती? कांग्रेस की सरकार जब भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो गऊओं के लिए है अनुदान भी देने का काम किया था, और गऊओं के अंदर जो है शेड के लिए चारे के लिए बजट देने का काम भी किया था, और आगे भी कांग्रेस की सरकार बनेगी गऊओं के चारे के लिए शेड के लिए पालन पोषण के लिए जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह तक बनाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी जी। तो नरेश सेलवाल जी ने अपने विचार प्रकट करे हैं, कमेंट सेक्शन में तुम भी विचार प्रकट कर दे रही हो तो बता दियो, मिलांगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर।